हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप कॉलर आईडी को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी F14 फ़ोन में। तो सिंपली आपके फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। तो आपको इसमें से सेटिंग्स पे जाना है या फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे जाना है, जिसके ज़रिए आप कॉलर आईडी को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कॉलर आईडी कैसे इनेबल करेंगे, तो सिंपली आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग्स पे चले जा रहे हैं, तो आपकी कॉलिंग सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपके पास देख सकते हैं कि कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस ऑप्शन है, शो हो रहा है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं। इसके साइड पे क्लिक करते हैं तो कॉलर आईडी आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा और इनेबल होते ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं और जो भी कॉल्स वगैरह आती है, तो जो भी कॉल्स है स्पैम कॉल्स, सस्पेक्टेड कॉल्स, आपके कॉलिंग्स पे शो हो जाएगा और आप इसका पता कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि आप कॉल डिस्प्ले पे जाकर फुल स्क्रीन में भी कॉलिंग को शो कर सकते हैं या फिर आप मिनी और स्मॉल स्क्रीन पे भी शो कर पाएंगे और इसका यूज़ कर सकते हैं और फुल स्क्रीन पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं और स्पैम कॉल एंड सस्पेक्टेड कॉल्स का पता कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियोस लगी तो